और इसके बाद जो फर्स्ट प्राइज होने वाला है वो है मोबाइल का। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कुछ ही लम्हों के बाद वो घड़ी आने वाली है हेलो हेलो चेक कि किसी का हेलो लकी चेक कूपन निकलने वाला है मोबाइल हेलो के लिए। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो कोकनी ड्रामा वाले तमाम हेलो स्टेज के पीछे जमा हो जाए, कोकनी ड्रामा नसीहत वाले हेलो जो भी हेलो कैरेक्टर्स हैं वो स्टेज के पीछे जमा हो जाए। हेलो हेलो अभी शैतान जिंदा है, अभी ड्रामा होने जा रहा है, शैतान जिंदा है, जिसमें 10वीं के बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। शैतान जिंदा है, ऐ आदम की औलाद, तुम तो मुझसे कहीं आगे निकल गया है। ईमान पाकर भी बेईमान बन गया। मुझे मात देने के लिए तेरे पास सारे सबक हैं, मगर तू हर सबक भूल गया। तो मिसाल दिया करता था मेरे सर पर शैतान सवार है, अब तो मुझ पर सवार हो गया है। तू तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि मेरी दुकान पर ताला पड़ गया। तू तो मेरे गुरूर को ललकार रहा है, तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। अब मैं तुझसे पनाह मांग रहा हूं, कहाँ गई तेरी इंसानियत? ये इंसानियत क्या होती है? गाना लगा दे गाना। अरे गाना लगाने का है। रुको रुको, रहने दो, उधर ही उधर ही। इंसानियत, ईमानदारी, वफादारी सब बकवास है। आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वही रिश्ता मायने रखता है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये आप किससे बात कर रहे हैं? मेरी बीवी से। मीन्स अब वो मेरी बीवी नहीं रही। मतलब आपने उसे तलाक दे दिया? यस, फेसबुक पर शादी की, व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। वेरी सिंपल, क्योंकि आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, आई डोंट हैव टाइम। तलाक देने की वजह? शी इज स्टूपिड, बेवकूफ है वो। उसे हिजाब पसंद है, पर्दे में रहना चाहती है, और मैं उसे मार्केट में उतारना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम मार्केटिंग। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टॉफी कहते हैं। अरे टॉफी, ये कैसा नाम हुआ? अमेरिका से मैंने मार्केटिंग का कोर्स किया है। अब वहां टॉफी कहमत बड़ा अजीब दकियानुसी सा नाम लग रहा था, तो मैं बन गया टॉफी। सुनने में भी अच्छा लगता है ना। बाय द वे, तुम कौन हो? मैं शैतान हूँ। ये नाम बचपन में दादाजी के मुंह से सुना था। वैसे तुम करते क्या हो? मैं आदम की औलाद को बहकाने की मार्केटिंग करता हूँ। तुमने भी मार्केटिंग का कोर्स किया है? नहीं। नो प्रॉब्लम, पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी खूबसूरत लड़की से शादी करना जो तुम्हारी मार्केटिंग में हेल्प कर सके। मेरी तरह हिजाब वाली मत उठा ले आना, ब्लडी पर्दा। देखा, मैंने हव्वा की बेटी को बेपर्दा होने के लिए बहकाया, मगर ये आदम की औलाद, तूने इसे बाजार में उतार दिया। वाह वाह। तुम्हारी ये जीन्स कैसे फट गई? कुत्ते ने काटा या बकरी चबा गई? तुम भी मेरे पापा की तरह ही बात कर रहे हो। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। अरे अपने आप को चेंज कर लो, दिस इज अमेरिकन ब्रांड मैन। अमेरिका इतना गरीब कंट्री है?
दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, मेरे दादा की तरह तुम भी सटिया गए हो। मेरा हेयर स्टाइल देखकर कहने लगे बाल कटवा लो वरना कौवे इसमें अंडे देंगे। अमेरिकन स्टाइल है, वो लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं, इडियट नहीं है। वैसे तुम हो कौन और ये गेटअप? मैं शैतान हूँ। शैतान? शैतान तो मैं हूँ। वो कैसे? मेरी मॉम, आई मिस मेरी मम्मी, मुझे नाम लेकर कभी नहीं बुलाती। आ शैतान इधर आ, ये बोलेगा चल शैतान कहीं का। शैतान उठ, कॉलेज नहीं जाना, बड़ा शैतान है। अभी शैतान को कौन समझाए, ये शैतान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज अपने आप को शैतान मत कहो, ये मेरा पेट नेम है शैतान। सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, मैं अपने बर्थडे केक पर भी शैतान ही लिखता हूँ। ए आदम की औलाद, मुझ पर कुछ तो दया कर, पहले मेरा नाम भी छीन लिया, अब मेरे नाम पर भी कब्जा कर लिया, और तू कितना बेरहम बनेगा। मुझे बचा, मुझे अस्पताल, अस्पताल। ये क्या हो गया है तुम्हें, किसने की तुम्हारी हालत? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, कुछ लोग मुझे रिश्वत देकर गलत काम करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, तो उन लोगों ने मेरी हालत, मुझे अस्पताल, बेटा अस्पताल। अरे अंकल वीडियो तो शूट होने दो, इतना नेचुरल और रियल मर रहा कहाँ बार बार होता है। बेटा मैं मर जाऊंगा। जस्ट मोमेंट अंकल, मुझे बचा लो, हेल्प। अब मैं इस मर्डर को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, सलमान खान की नई फिल्म के ट्रेलर से ज्यादा इसको लाइकिंग मिलेंगी, देखना। कि अंकल हुना में शैतान आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। इंसानों से तंग आकर कल मैं खुदकुशी करने निकला, दुकान पर रस्सी लेने गया, वहाँ बोर्ड लगा था यहाँ सिर्फ किसानों को ही रस्सी दी जाती है। चला, चला, चला। ए आदम साला गूखा था फोन। ए आदम के औलाद, जिसके खून पसीने की तू रोटी खा रहा है उसी को फांसी पर चढ़ा रहा है। छाप लेगा, दो दिन रोएगा, फिर ऐश करेगा। आप कौन है? सवाल पूछने वाले मुझे पसंद नहीं। टीवी नहीं देखते? नहीं। टीवी देखिए, उस पर सुबह से शाम तक हमीद में भाषण देते हुए नजर आएंगे, समझे? चिंता नहीं, पैसा पहुंच जाएगा। अच्छा आप नेता है? हाँ, इस देश को हम ही संभाल रहे हैं। संभाल क्या रहे हैं, ये देश हमारी ही वजह से चल रहा है। अगर हमने नजरें फेर ली तो अंधेरा छा जाएगा देश में। मतलब आप इस देश के माई बाप है? अरे माई बाप क्या होता है, हम इस देश के खुदा है भाई। इंसान होकर मैंने कभी खुदाई का दावा नहीं किया और इंसान खुदा बन बैठा। वैसे तुम कौन हो और ये हुलिया क्या बना रखा है, अपना परिचय दो। आपके सामने मेरी औकात ही क्या है? शाबाश, मुझे ऐसा कहने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चिंता नहीं, पैसा पहुंच जाएगा, फिर भी अपना परिचय दे ही दो। जी मुझे शैतान कहते हैं। हमारी पार्टी ऑफिस में आओ, तुमसे बड़े बड़े समझ गए, नाम बदल दो अपना। आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। एक बार फिर शाबाश, मुझे झुके हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आज से तुम्हारा नाम एक और बेवकूफ। एक और बेवकूफ? हाँ, मुझे चाहने वाले सब बेवकूफ हैं, एक तुम भी। चिंता नहीं, पैसा पहुंच जाएगा। ये बार बार आप पैसा पहुंच जाएगा क्यों कहते रहते हो? अरे भाई हमने इतने जुर्म किए, इतने मर्डर करवाए, इतने घोटाले किए कि आंख और मुंह बंद करवाने के लिए पैसा पहुंचाना पड़ता है, बस आदत हो गई है कहने की। वैसे तुम हमें अच्छे लगे, पार्टी ऑफिस में आकर मिलो। और हाँ, आइंदा से अपने आप को शैतान मत कहना, क्योंकि शैतान हम हैं। हरीश,
ए इंसान, हुकूमत करने की लालच ने तुझे हैवान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया है। अब तू अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहना छोड़ दे। अब तू इस काबिल नहीं रहा। दौलतमंद बनने के लिए तू अपने ही भाइयों को जहरीली कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है और खुद पेट्रोल का प्यासा बैठा। शर्म कर, बम गिरा गिरा कर शहर के शहर तबाह कर रहा है। मुझे इल्जाम मत देना, तू मुझसे कई गया गुजरा बन चुका है। एक बार हम शैतानों की बिरादरी में आकर देख, इत्तेहाद किसे कहते हैं, मैं तुझे बताऊं। ए सुनो, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अगर यहाँ आ गई तो उसे बताना मत कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, समझे? लगता है पुलिस चली गई। तुम डॉक्टर हो ना? यस, मैं डॉक्टर हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिता भी डॉक्टर है, मेरी माँ भी डॉक्टर है, मगर वो दोनों पागल डॉक्टर है। पागल क्यों? वो गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करते हैं, अपने डॉक्टर होने का फर्ज 24 घंटे निभाते हैं। ये पुलिस आपको क्यों तलाश कर रही है? मैं किडनी बेचने का कारोबार करता हूँ, इस चक्कर में कई गरीब पेशेंट की जान जा चुकी है, इसलिए पुलिस मुझे तलाश कर रही है। इंसान होकर आप इंसानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको तो फांसी हो जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। पुलिस मुझे इसलिए नहीं तलाश कर रही कि मुझे जेल भेजे, बल्कि इसलिए कि मुझे बचाने के लिए 5 करोड़ में डील हुई थी। अब पुलिस 10 करोड़ मांग रही है। अरे बहुत पैसा खर्च हो चुका है, मीडिया का मुंह बंद किया, अपने ही जूनियर डॉक्टर को फंसा दिया, उसे भी पैसे देने पड़े, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर किया, फिर अस्पताल के स्टाफ को खरीदना पड़ा। मैं पुलिस को 10 करोड़ नहीं दे सकता, 5 करोड़ तो बस 5 करोड़। और वो गरीब लोग जो अपनी किडनी देकर मर गए? 5,000 रुपए दिए उनके घर वालों को, सब बहुत खुश हो गए, वैसे भी भूखे तो मर रहे थे। मैं चलता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हें भी अगर किडनी बेचनी हो तो ये मेरा कार्ड रखो, अच्छे पैसे दूंगा। शैतान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे इस नाम से बुलाते हैं और मेरे लिए बड़ी ही प्राउड की बात है। मैं शैतान से 100 कदम आगे निकल गया, इसलिए तो इतना पैसा कमाया मैंने। इस डॉक्टर ने मेरे गुरूर, मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ए आदम की औलाद, गुनाह करके इतना मत अकड़, मैं तुझे अपने आगे नहीं जाने दूंगा। एक बार मुझे मौका मिल जाए ये साबित करने का कि मैं मरा नहीं जिंदा हूँ। शैतान का वजूद अभी खत्म नहीं हुआ। शैतान जिंदा है, शैतान जिंदा है, शैतान जिंदा है। शैतान जिंदा है। इस ड्रामे के बाद अजान नचले एक सोलो डांस होने जा रहा है। आजा नचले मिसबा।